बालों की झड़ने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए? सर, तो पहली बात तो एलोपैथी में तो इसकी कोई दवाई नहीं है। बाल झड़ते हो, आंखों पर चश्मा आता हो, आपकी स्किन में डिजनेशन स्टार्ट हो गया हो, बोन्स में डिजनेशन स्टार्ट हो गया हो, लीवर किडनी में डिजनेशन स्टार्ट हो गया हो, पेनक्रियाज में डिजनेशन या हार्ट में डिजनेशन, जिससे कि आपका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, या आपके लंग की कैपेसिटी जब आप चेक करते हैं, फेफड़े पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं और आपकी हार्ट की कैपेसिटी कम हो गई हो, इंटेस्टाइन लीवर आपका वीक हो गया हो, किडनी आपकी वीक हो गई हो, उसका ESR बढ़ गया हो, तो इसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। तो ऑप्शन तो तब सोचे ना जब कोई दूसरा आपके सामने रास्ता हो। तो पहले तो मैं 10-15 बातें छोटी-छोटी बता देता हूँ। अब किसी के बाल झड़ रहे हो तो 5 मिनट तो ये कर लेना इसे। आजकल तो TV विज्ञापनों में भी ये भी आने लग गया, अनुलोम विलोम भी आने लग गया, TV विज्ञापनों में पोस्टर्स भी आने लग गए। कम से कम भोगवादी दुनिया में भी योगवाद और अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद का प्रवेश हो गया, एक परिवर्तन तो हुआ। ऐसे पीछे से ऐसे ऐसे कर लेना तो इससे बालों का झड़ना रुक जाता है लगभग 1 सप्ताह में। फिर दूसरा, गर्मी के कारण से बाल बहुत झड़ते हैं, आयरन की कमी के कारण से बाल झड़ते हैं, और भी सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण से बाल झड़ते हैं। तो देखो, बालों के झड़ने के लिए 5-7 बातें छोटी छोटी। लौकी के जूस में आंवला मिला के पियो, लौकी तो घर में निकाल ही लेते हैं, और टेस्ट कैसा लगा आपको लौकी के जूस का? यहाँ बढ़िया, उसमें हमने थोड़ा हरा धनिया, पुदीना और नींबू डाल देते हैं थोड़ा सा, जिसको एसिडिटी होती है हो, नींबू से मत डालना। मैं तो लौकी का जूस सुबह और किसी किसी दिन शाम को दोनों टाइम पी लेता हूँ, लफड़ाई ख़त्म। एक तो गर्मी नहीं लगती बिल्कुल भी, एयर कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, भूख बहुत अच्छी कड़ाके की लगती है, अभी भी हमको तो लगी हुई है, देखो एकदम खाली है। कुछ तो मेरे पेट से ही बहुत ईर्ष्या करते हैं, बोले बाबा जी ऐसा ही हमारा भी पेट कर दो ना। अच्छा, मेरे को तो इस पे 1.5 किलो भी बढ़ जाए ना तो तुरंत मैं इसको कहता हूँ, भाई चैन से रह। सुनो, आपको मैं कह रहा हूं, लौकी का जूस उसमें थोड़ा आंवला डाल दो, आंवले का किसी न किसी रूप में, आंवले की कैंडी, आंवले का मुरब्बा, आंवले का जूस, आंवले का पाउडर, किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन करो, ये बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है।